गुड इवनिंग ऑडियो का बता दीजिए ऑडियो क्लियर है तो आज के सेशन में हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अभी तक के सेशन में मैंने आपको ओरिजिन से लेके क्या क्या कैसे बैकग्राउंड क्या था और क्यों अमेरिका डिफरेंट है बाकी सारे देशों से ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी आज हम कॉजेस के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे एंड देन हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप थे जो यहाँ पे हो रहे थे तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेस स्टार्ट विथ लेसार्ट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं गुड इवनिंग एवरी वन वी है बेसिक बैकग्राउंड ऑफ अमेरिकन रेवल्यूशन हम लोगों ने बेसिक बैकग्राउंड की बात की थी तो आज वहीं से आगे फॉरवर्ड कर बाकी सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम समझने की कोशिश किस तरीके से बाकी सारी चीजें पैन आउट कर रही थी के बैकग्राउंड में आपको यह समझना पड़ेगा कि अनलेस लाइक बाकी सारे जो देश थोड़ा सा अलग था अमेरिका अमेरिका में जनरल प्रोस्पेरिटी कंपेरेटिवली ज्यादा थी यहाँ पे जो स्लेव थे जो अफ्रीकन लाए जाते थे उनकी हालत तो थोड़ी खराब थी पर बाकी इन जनरल जो पॉपुलेशन थी वो लगभग उनके पास एक बेटर कंडीशन थी देन यूरोप गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी तो यूरोप के कंपैरिजन में यहां पे इनकम का लेवल थोड़ा सा बेटर था इनकम लेवल वाज हाई तो कि जी मुझे ये बताइए कि वो कौन सा वॉर था जिसकी वजह से ये सारी चीजें काफी रैपिडली बढ़ती हैं और जिसकी वजह से सारी चीजें एक्चुअली में कॉलोनीस को लगता है कि अब उनको ज्यादा टैक्सेशन देने पड़ेंगे मैंने आपको समझाया था कि बैकग्राउंड था और ये लोग दे भी रहे थे टैक्स इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी पर एक वॉर जो हुआ उस सिंगल वॉर का खर्चा कौन देगा इसके चक्कर में सारी लड़ाई या सारा डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ सो इन जनरल जनरल अवेकनिंग आई थी उस लड़ाई के चक्कर में ये सारे डिस्प्यूट राइज हुए और ये पूरा मामला आगे बढ़ते 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 ये फिनिश करता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो, तो चलिए बाकी सारी चीजों को समझते हुए अब कॉजेस की बात करते हैं और यही मेन है बैकग्राउंड तो आपको मैंने बता ही दिया जी हाँ सेवन ईयर वॉर बिल्कुल परफेक्ट तो कॉजेस में ध्यान से समझिएगा सबसे पहले इकोनॉमिक कॉज को समझने की कोशिश करते हैं देखिए चीजें पहले होती हैं कोई ऐसा पॉइंट आता है जब वो चीजें एक लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं तो प्रॉब्लम तो पहले से ही थी पर अभी तक कॉलोनीज को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था क्योंकि कॉलोनीज ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड थी वो ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट कॉलोनी थी नहीं तो ये जो तेरा कॉलोनीज हैं इसमें हमेशा ब्रिटेन अपने फेवर में बैलेंस ऑफ ट्रेड रखता था बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया एक कंट्री से ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करती है ये कंट्री नंबर ए है कंट्री नंबर बी है एक कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करती है तो ज्यादा पैसे कमाएगी और कम इंपोर्ट करती है तो जो बैलेंस होगा वो पॉजिटिव होगा यानी बैलेंस क्या होगा पॉजिटिव होगा फेवरेबल होगा और अगर मान लीजिए एक कंट्री कम एक्सपोर्ट करिए और ज्यादा इंपोर्ट करी है ज्यादा खर्चा कर रही है ज्यादा सामान खरीद रही है तो जो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये फेवरेबल नहीं होगा ये नेगेटिव होगा तो ब्रिटेन की क्योंकि अमेरिका कॉलोनी है तो हमेशा वो अपना ही फायदा देख रही है वो सारी इंडस्ट्रीज जो कि उसके कंपटीशन में खड़ी हो सकती हैं वो सारी इंडस्ट्रीज में बैन कर दिया है उन्होंने कहा है कि आप कॉटन नहीं बना सकते आप वूल नहीं बना सकते आप हैट नहीं बना सकते आप आयरन के प्रोडक्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये सामान हम बेचते हैं तो वो सारी चीजों को ब्रिटेन ने बोला है कि आप क्योंकि हमारी कॉलोनी है तो आप ये सारी इंडस्ट्री नहीं बना सकते कौन कौन सी इंडस्ट्री वूलन कॉटन हैट इंडस्ट्री आयरन प्रोडक्ट तो ये चीजें पहले ही उन्होंने रोक रखी हैं जैसे 1699 में वूलन प्रोडक्ट को बोल दिया कि आप नहीं बना सकते हैट इंडस्ट्री को 1732 में बोला कि आप बना तो सकते हैं मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आयरन प्रोडक्ट 1750 में इनके एक्सपोर्ट को रोक दिया गया तो कुछ इंडस्ट्रीज जो कंपटीशन में थी उनका तो एक्सपोर्ट रोक दिया गया और दूसरा जो सामान ब्रिटेन अलाउ भी करता था तो वो कहता था कि हमारे ही जहाज में आपको सप्लाई करना पड़ेगा यू हैव टू यूज आर शिप और अगर मेरे शिप इस्तेमाल करने हैं तो यू हैव टू पड़ेगी। जैसे टुबैको हो गया राइस हो गया इनको इन्यूमरेटेड गुड बोलते थे तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के जहाज पे जाएंगे तो अमेरिका को यहां पे भी ज्यादा फायदा नहीं ठीक है जी तो इन सारी पॉलिसीज का इन जनरल अमेरिका में उतना रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है बिकॉज वो ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है और वो लोकली ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं इसलिए उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो बन ही जा रहा है इतना क्लियर है यस दोनों बताएं इज इट क्लियर और नॉट अब प्रॉब्लम ये होगी कि इसके बाद जब ब्रिटेन बोलेगा कि हमको टैक्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि सेवन ईयर वॉर हुआ तो अब इनको ये लगेगा बेसिकली जो शक है वो इंटेंशन पे नियत पे शक हो रहा है ये जो कॉलोनीज हैं, ये एक तरीके से अब इनका भरोसा उठ रहा है क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ब्रिटेन का कोई भरोसा नहीं है ब्रिटेन आज एक टैक्स लगा रहा है कल की डेट में वो और मल्टीपल टैक्स लगा लेगा सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चे को पूरा करने के लिए तो अगर मैं सारी कॉजेस को समअप करूं तो ये है पहली इकोनॉमिक कॉज है कि अमेरिका का डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा है दूसरा एक्सपोर्ट की लिमिटेशन है तीसरा हैवी इंपोर्ट ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब यह है कि कोई भी सामान अगर इंपोर्ट कराना है इंग्लैंड से या बाहर से भी तो वो जहाजों में आ रहा है और इंपोर्ट ड्यूटी लगा के महंगा होके अमेरिका में बिक रहा है तो अमेरिकन को यह बात भी पसंद नहीं आ रही है उसके अलावा आयरन स्टील टेक्सटाइल की इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक दिया गया क्योंकि ये सामान में कंपीट ब्रिटेन भी करता था इसको इस तरीके से समझिए कि एक आपके नेबरवुड में एक ही सिंगल दुकान है और वो सिंगल दुकान है कंप्यूटर की साइबर कैफे और वो सिंगल दुकान से ही आप प्रिंटआउट निकलवा के लाते हैं आसपास कोई और दुकान नहीं है अगर वो साइबर कैफे वाला कंप्यूटर वाला आपसे बोले कि हम पच्चीस रुपए प्रिंट लेंगे तब भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि और कोई दुकान नहीं है। इसको कहते हैं मोनोपोली। पर गुस्से में आके आपने भी एक प्रिंटर ले आए, और आपने भी एक साइबर कैफे खोल दिया और आप बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ दस रुपये कॉपी लूंगा प्रिंट आउट के दस लूंगा एक कॉपी निकालने की अब इसको अपने रेट कम करने पड़ेंगे अदरवाइज सारे के सारे कस्टमर आपकी दुकान पे आ जाएंगे अगर ये इंफ्लुएंशियल होगा ये पावरफुल होगा ये थोड़ा राउडी टाइप का आदमी होगा गुंडा टाइप का आदमी होगा तो हो सकता है कि आपके घर में गुंडे लाके बोल दे कि आप अपनी शॉप बंद कर दो तो बस इसी तरीके से समझना है कि ब्रिटेन वही राउडी आदमी है जो कंपटीशन खत्म कर दे रहा है तो ये है कि इकोनॉमिक कॉजेज और उनकी समरी और साथ ही साथ इंग्लैंड से बहुत सारे आइटम्स गुड्स को डंप कर दिया जाता था कॉलोनीज में वो गुड्स जिनकी जरूरत ही नहीं है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए और मार्केट से आपको लेना था बैडमिंटन और आपको जरूरत भी नहीं है लेकिन आपने देखा कि वहां बहुत ही सस्ता टेनिस का बॉल्स मिल रही उन पे ऑफर है तो ये मार्केट की स्ट्रेटेजी होती है कि आपको सस्ती टेनिस बॉल दिखाएगा आप टेनिस बॉल भी खरीद लाएंगे जब आप घर आ जाएंगे आपको रिलाइज होगा कि टेनिस बॉल की तो मुझे जरूरत थी ही नहीं मैं तो बैडमिंटन खेलता हूं तो ऐसे ही इंग्लैंड क्या करता था कि मान लीजिए कोई सामान उसके यहां प्रोड्यूस होता है दैट इज गुड एक्स उस समान की जरूरत अमेरिका की कॉलोनीज को नहीं है बट फिर भी वो फोर्सफुली बोलेंगे कि आपको ये खरीदना पड़ेगा ये डंप करवा दिया जाता था दिस इज नोन एज डंपिंग ऑफ गुड्स तो ये थी इकोनॉमिक कॉजेज पॉलिटिकल कॉज क्या है पॉलिटिकल कॉज इकोनॉमिक कॉज से ही जुड़ा हुआ है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन उसके बाद जब ब्रिटेन ने सेवन ईयर वॉर का खर्चा निकालने के लिए बार बार टैक्स बढ़ाने की कोशिश की तब यहां के लोगों ने बोला कि हमको अगर नो no रिप्रेजेंटेशन है तो हम टैक्स क्यों दे जब हमारी कोई बात सुनी ही नहीं जाती तो हम टैक्स क्यों दे अगर कोई बात सुनी ही नहीं जाती हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है इस कॉलोनी के लिए सारे फैसले कौन लेता था ऊपर से फैसले लेती थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कौन लोग हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ब्रिटेन से इलेक्ट हुए एमपीज तो एमपीज हैं अमेरिका की कॉलोनीज वाले कह रहे हैं कि आप हमारे को भी रिप्रेजेंटेशन दे दो और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठा होगा तो कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा टैक्स लागू नहीं होने देंगे जिससे अमेरिकन का कोई फायदा ना हो इसीलिए बेसिकली वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव को मौका दो पार्लियामेंट में बैठने का और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारी बातें रखेंगे अदरवाइज आपका तो बस चलेगा आप सारे खर्चे हमारे ऊपर ही निकालेंगे अब देखिए किस तरीके से ब्रिटेन तौतेला व्यवहार करता है देखिए सेवन ईयर वॉर हुआ ब्रिटेन के इंडस्ट्रलिस्ट को लगा कि अमेरिका के जो इंडस्ट्रलिस्ट हैं ये ब्रिटेन के इंडस्ट्रलिस्ट है और जो अमेरिका के इंडस्ट्रलिस्ट है उनको लगा कि अमेरिका के इंडस्ट्रलिस्ट काफी अच्छा फायदा कमा रहे हैं एक्सपोर्ट तो नहीं कर पा रहे लेकिन अमेरिका की कॉलोनीज के अंदर ही अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे तो जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज थे उन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर बनवाया और बोला कि ये सारा का सारा खर्चा देना चाहिए अमेरिका के अंदर बैठी हुई प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज को और ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं ताकि उनका जो कंपटीशन है अमेरिकन इंडस्ट्रीज उनको नुकसान हो तो ब्रिटेन के इंडस्ट्रीबिंग कर रहे हैं कि सारा खर्चा अमेरिका के इंडस्ट्रीज पे डाल दो क्योंकि अमेरिका के इंडस्ट्रीज ने बहुत प्रॉफिट कमाया है पर वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका कंपटीशन खत्म हो जाए क्योंकि सारा बर्डन अगर अमेरिका की इंडस्ट्रीज पे आ जाएगा तो उनका जितना भी प्रॉफिट होगा वो खत्म हो जाएगा इट विल बी जीरो ठीक है तो इसी वजह से हल्के हल्के चल के जो डिमांड सामने निकल के आती है दैट इज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन और ये जो अपनी स्लोगन है ये अपना गुस्सा है वो अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है बॉस्टन टी पार्टी अब ये बॉस्टन टी पार्टी क्या है इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा ये है पॉलिटिकल कॉजेस कैनगिम जी ये पॉलिटिकल कॉजेज में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए मैं बार बार चीजें रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि अभी आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएं और एक सिंगल रिवीजन में ही आपका पेपर क्लियर हो जाए आपको बाद में कोई भी चीज में कन्फ्यूजन हो तो इज इट क्लियर और नॉट बता दीजिए फिर हम बात करेंगे आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पुष्ट की ये सारे फैक्टर्स तो ठीक है पर इन फैक्टर्स को एक्सजरेट करने वाला इस गुस्से को बढ़ाने वाला कौन है इस गुस्से को बढ़ाने वाले फिलोसफर इस गुस्से को कैटलाइज करने वाले हैं फिलोसफर जैसे लॉक हो गया हेरिंगटन हो गया मिल्टन हो गया ये कह रहे हैं अमेरिका की इंडस्ट्रीज में अमेरिका के लोगों से कह रहे हैं इनिक्वालिटी हो रही है आपके साथ आपके साथ अन्याय हो रहा है ब्रिटेन के सिटीजन को ज्यादा फायदा मिलता है आपको कम फायदा मिलता है फिलॉसफर जैसे थॉमस पेन थॉमस जेफरसन हो गए ये सारे लोग ये रियलाइज करवा रहे हैं इन लोगों को कि जो ब्रिटेन के लोग हैं ब्रिटेन के सब्जेक्ट है जो वहां पे रहते हैं उनको ज्यादा राइट मिल रहे हैं और आपको कम ये सारे लोग इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कुछ ऐसे नेचुरल राइट होते हैं जो इन एलियनेबल राइट होते हैं जो किसी से भी छीने नहीं जा सकते तो जो इन एलियनेबल राइट है वो कभी भी कोई भी जना किसी से छीन नहीं सकता नो गवर्नमेंट शुड बी अलाउड टू इनफ्रिंज दो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था थॉमस पेन के बारे में थॉमस पेन इंग्लैंड का बहुन एक्टिविस्ट है लेकिन वो अमेरिका के लोगों को ये रियलाइज करवा रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है अन्याय हो रहा है उसकी दो फेमस पैम्पलेट है एक का नाम है द अमेरिकन क्राइसिस एंड द सेकंड वन उसका नाम है कॉमन सेंस तो ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट्स हैं जिनके थ्रू वो अमेरिका के रेवोल्यूशनरीज को तो जगा ही रहा है फाउंडिंग फादर को तो जगा ही रहा है साथ ही साथ कॉमन पीपल पे भी इसका काफी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट है तो पेन उस पूरे गुस्से में फ्यूल डालने की कोशिश कर रहा है फ्यूल डाल रहा है अपनी राइटिंग से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं इंस्पायर कर रहे हैं तो थॉमस पेन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है जी फिर जॉन लॉक है जॉन लॉक भी इंग्लिश फिलोसोफर हैं। और इन्हीं के आइडिया से इंस्पायर हुए थे थॉमस जेफरसन थॉमस जेफरसन जो आगे चल के प्रेसिडेंट भी बनेंगे उन्होंने ही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कह रहा है कि हम आजाद हैं

देन आते हैं फ्रेंच एंड इंडियन वॉर पे जो मैंने बताया तो ये सारी कॉजेज थी उसके बाद ये फ्रेंच एंड इंडियन वॉर हुआ और कर्नल जॉर्ज वॉशिंगटन के लीडरशिप में अमेरिकन कॉलोनीज या ब्रिटेन जीत गया इसके खिलाफ जीता फ्रांस के खिलाफ जीता मैं सारी डिटेल बता ही चुका हूं यहां लड़ाई स्टार्ट हुई थी अपर ओहायो रिवर वैली से और ये लड़ाई आगे स्प्रेड होते होते काफी बड़े लेवल पे पहुंच गई इसमें जीता कौन सेवन ईयर वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ जीता कौन ब्रिटेन जीता तो विनर विनर चिकन डिनर वास ब्रिटेन या तेरह कॉलोनीज़। और सात साल के बाद ये देखिए किस तरीके से फ्रांस गायब हो गया फ्रांस बस यहां तक लिमिटेड हो गया अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद अमेरिका में अलग अलग टैक्स ब्रिटेन ने अनाउंस की और टैक्स में स्पेसिफिकली लिख रहा है वो ब्रिटेन लिख रहा है स्पेसिफिकली कि इस टैक्स का एक ही कारण है कि हमको पैसा कमाना है ताकि ब्रिटेन अमेरिका पे अच्छा रूल कर सके तो ये जो लॉ पास किए जा रहे हैं इनमें बेजोरली इनका एक ही एम है कि अपनी ट्रेजरी फुलफिल की जाए ताकि जो भी एक्सपेंसेस हुए उनके उसको रिकवर किया जा सके तो अगर मैं कॉजेज की समरी की बात करूं तो कॉजेज की समरी यही है कि अमेरिका के जो लोग थे वो इक्वेलिटी और प्रॉस्पेरिटी ठीक ठाक थी उनको अपने राइट्स और प्रिवलेजेस के बारे में थोड़ा आइडिया था जमीन ठीक ठाक थी प्रिवलेज थे उनके पास टैक्सेशन लगाता था ब्रिटेन लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता था पर सेवन ईयर के बाद सेवन ईयर वॉर के बाद जब डायरेक्टली उन्होंने बोलना स्टार्ट किया और डायरेक्टली बहुत ज्यादा टैक्स लगाने स्टार्ट किए अमेरिकन कॉलोनीज पे तो उसका रिएक्शन अमेरिकन कॉलोनी ने भी देना स्टार्ट किया वहाँ एक जनरल स्पिरिट एक जनरल टेंडेंसी डेवलप हो चुकी थी कि वो लोग अपने साथ कुछ भी गलत हो वो उसके खिलाफ वॉइस उठाते थे तो इस पूरे प्रोसेस में ये लोगों ने शुरुआत में कोशिश की कि टैक्स को वापस ले लिया जाए पर जब वो टैक्स वापस नहीं लिए गए बार बार ब्रिटेन बार बार टैक्स लगाता गया लगाता गया लगाता गया तो उसका आउटकम निकला है कि ये प्रोटेस्ट बड़ा होते होते इंडिपेंडेंस की तरफ चला वो जो सो तेरा कॉलोनीज का सिस्टम चल रहा था वहां पे लोकल गवर्नमेंट थी एरिस्टोक्रेसी एक दो जगह पे थी राजा रजवाड़े थे लोकल गवर्नमेंट्स थी पर ओवरऑल कंट्रोल ब्रिटेन एम्पायर का था ब्रिटेन पार्लियामेंट का था तो ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है यही एक्चुअली में रैलिंग पॉइंट बनेंगी यही लोगों को इकट्ठा करेंगे यहाँ पे ही लोगों का सपोर्ट निकल के आएगा और यही लोग ब्रिटेन की पार्लियामेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे यानी ब्रिटेन की अथॉरिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे इतना क्लियर है यस और नो ये थी कॉजेस अगर कॉज़ेस समझ में आ गई है तो बता दीजिए कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वेरी टू अंडरस्टैंड दी कॉज़ेस कॉजेस को ही मैं इलेबोरेट करूंगा सबसे पहले अब इन सारी चीजों को कॉजेस को या टैक्सेशन को एक एक करके डिस्कस करते हैं पहला इशू ये है कि जितनी भी जमीन है ज्यादातर जमीन उन लोगों के पास है जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज थे ब्रिटेन के इंडस्ट्रिस्ट के पास ज्यादातर जमीन है एरिस्टोक्रेट्स के पास जमीन है और नेटिस के पास ज्यादा जमीन नहीं है तो वो ये इस चीज को इंश्योर करना चाहते हैं ये जमीन ज्यादातर किसके पास रहे जो बाहर से ब्रिटेन के इंडस्ट्रीस्ट आए हैं और लोकल लोग हमेशा रेंट ही देते रहे तो एक प्रॉब्लम यह है कि जमीन का सारा कंट्रोल एरिस्टोक्रेट्स ने अपने पास रख लिया है दूसरा है टैक्सेस टैक्सेस का इंपोजिशन एक एक-एक करके सारे टैक्सेस को हम डिस्कस करते हैं पहला एक्ट ऑफ सेवनटीन अब शुगर ऑफ सेवेंटी सिक्सटी फोर को ध्यान से समझिएगा अगर मैं नॉर्थ अमेरिका के पास में छोटे से आइलैंड आपको दिखाऊं ये है कैरेबियन आइलैंड इधर के इलाके में आपको बहुत सारे अलग अलग आइलैंड्स देखने को मिलेंगे छोटे छोटे आइलैंड्स जो तो नॉर्थ अमेरिका के काफी पास है इसी में ही कैरेबियन आइलैंड्स भी आते हैं आपके वो कैरेबियन आइलैंड भी किसके कंट्रोल में था ब्रिटेन के कंट्रोल में था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था और यहां पे ठीक ठाक शुगर केन प्रोड्यूस हुआ करता था और शुगर केन का जो मोलेसिस होता है जो उसका रेसिड्यूअल पार्ट होता है मोलेसिस शुगर केन जूस का वो मोलेसिस का इस्तेमाल करके रम बनाई जाती है बियर बनाई जाती है वाइन बनाई जाती है रम ठीक है तो वो यहां पे शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता था और यहां से भेज दिया जाता था अमेरिकन कॉलोनीज में और यहां से जो रम बनती थी उसको ब्रिटेन बाद में बेचता था और कुछ रम लोकली भी कुछ वाइन लोकली भी कंज्यूम हो जाती थी सिंपल है अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कि कैरिबियन आइलेट्स में जो शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है उससे मोलेसिस बन रहा है और मोलेसिस को यहां एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है तो, मोलेसियस एक्ट पहले 1733 में आया 1733 में जो आया उसमें भी बोला गया कि एक पर गैलन ऑफ मोलेस जो भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उस पर आपको छ पेंस का टैक्स देना पड़ेगा यानी ड्यूटी लगा दी गई टैक्स लगा दिया गया ये टैक्स ना कभी भी इंपोज नहीं किया गया टैक्स कभी भी इंपोज नहीं किया गया और ऐसा क्यों किया गया क्योंकि यहां पे बहुत सारा लेवल पे स्मगल भी किया जाता था तो उस स्मगलिंग से अमेरिका को यह लगता था और दूसरा यह भी लगता था कि अगर ज्यादा टैक्स करने लग जाएंगे तो यहां की रम की इंडस्ट्री ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी तो ये टैक्स पहले भी लगाया गया था छह पैंस को समझ लीजिए सिक्स परसेंट का टैक्स अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये पहले का सिस्टम है अब क्या कर दिया गया अब टैक्स बढ़ाया नहीं गया अब टैक्स कम कर दिया गया अब बोला गया कि आपको सिर्फ थ्री परसेंट या थ्री पेंस का टैक्स देना है तो अगर टैक्स कम कर दिया गया तो अमेरिका के लोगों को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए अब तो टैक्स कम हो गया पर अब ब्रिटेन ये इंश्योर कर रहा है कि ये टैक्स तीन परसेंट जबरदस्ती कलेक्ट किया जाएगा अब इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है पहले इंप्लीमेंटेशन पे फोकस कम किया गया था पहले जानबूझ के स्मगलिंग अलाउ कर दी जाती थी खाली नाम का ही परसेंट टैक्स था लेकिन वो टैक्स नॉर्मली लिया नहीं जाता था अब टैक्स भले ही आधा कर दिया गया हो पर पुश कर दिया जा रहा है कि आप जबरदस्ती आप प्रॉपर तरीके से इसको इंप्लीमेंट करिए और टैक्स सबको देना पड़ेगा अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें भले ही टैक्स कम हो गया हो लेकिन जो अमेरिका की कॉलोनीज है उनको शक हो रहा है कि आज ऐसे फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कल हो सकता है और ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करें तो अब नीयत पे शक होने लग गया है और इसी के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि अगर हमको राइट नहीं दोगे तो आपको एक भी टैक्स एक भी रुपया टैक्स लेने का राइट नहीं है और दो इंडिविजुअल जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे उनका नाम है सैम्यूल एडम जो इस पूरे प्रोटेस्ट के लीडर है उनका नाम है सैमुअल एडम्स एंड जेम्स ओटिस और ये दोनों आते हैं मैसाचुसेट्स कॉलोनी से जो तेरह कॉलोनीज है उसमें से एक है मैसाचुसेट्स तो इन्होंने एक पूरा अपना मैसेच्यूट असेंबली में एक रेजोल्यूशन लेके आए एक रिपोर्ट लेके आए और उसमें ये लिख रहे हैं कि ये हमारा राइट पे इन्फ्रिंजमेंट है आप ऐसा नहीं कर सकते आप हम पे ऐसे टैक्स नहीं लगा सकते उसमें ये कहते हैं कि अगर सार्कास्टिकली ये कहते हैं कि आपका बस चले तो आप जमीन पानी खाना सब पे टैक्स लगा दे तो सैमुअल एडम्स अपनी मैसेच्यूसेट असेंबली में ये बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं ये जो हम पे टैक्स जबरदस्ती लगाया जा रहा है ये स्ट्रिक्टली इनफोर्स कराया जा रहा है एक्ट 1766. जो टैक्स पहले छे था उसको तीन में किया गया उसके बाद 1766 सिक्सटी सिक्स यानी दो साल बाद उसको एक परसेंट का टैक्स कर दिया गया था एक पेंस का एक पेनी का तो ये जो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उसका आउटकम देखने को मिलेगा दो साल बाद देखने को मिलेगा इयर्स ये था शुगर एक्ट की कहानी जो पे टैक्स लगता था मोलिस का इस्तेमाल क्या होता है ड्रिंक बनाने में तो अगर स्ट्रिकली टैक्स को इंपोज करेंगे तो ड्रिंक महंगा होगा और दूसरा ये रम की इंडस्ट्री को थोड़ा नुकसान होने वाला था तो बेसिक सवाल अमेरिकन यही पूछ रहे थे कि अगर आप हमको राइट right नहीं दे सकते तो आपको टैक्सेशन लेने का कोई अधिकार नहीं है यू हैव नो राइट टू टैक्स अस इतना क्लियर है ये, बताएं, एक्ट में कोई प्रॉब्लम, एक्ट का ये सेकंड वर्जन था ये उसी को एक्चुअली में चेंज कर रहा था उसी को मॉडिफाई कर रहा था मोलेसिस एक्ट 1733 में पास किया गया था और ये 1764 में पास किया गया इसको दो साल बाद फिर से चेंज किया जाएगा विथ रेवेन्यू एक्ट इतना क्लियर है या नहीं ये सो नो बताए इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए एक तो साल याद रखना है और बेसिक इश्यू क्या है मोलेसिस पे छह पेंस का टैक्स लगता था वो तीन पेंस हो गया तीन पेंस के बाद दो साल बाद वो एक पेंस पे चला गया क्लियर है या नहीं पहले ये बताएं फिर मैं स्टैंप ड्यूटी बता दू तो याद रखिएगा स्टैंप ड्यूटी और ये मोलेसिस वाला एक्ट है जो शुगर एक्ट है ये लगभग एक ही टाइम पे रिपील किए गए थे वो शुगर एक्ट जो आ रहा है दैट इज इन 1764 और स्टैंप ड्यूटी 1765 में इंट्रोड्यूस करेंगे और दोनों के खिलाफ जब प्रोटेस्ट होगा तो 1766 में दोनों ही रिपील हो जाएंगे so कभी आपने प्रॉपर्टी के कोई काम वगैरह देखे होंगे या आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है ए एक, एक फ्लैट है बड़ा सा उस फ्लैट को आपने बेचा है और दूसरे इंडिविजुअल बी ने खरीदा है तो ये कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स पे लिखा जाता होगा और इसमें आपने देखा होगा स्टैंप लगती है सरकारी गवर्नमेंट की स्टैंप वो तो दस रुपए की स्टैंप है बीस रुपए की स्टैंप है बड़ा सा स्टैंप पेपर होता है हमेशा तो याद रखिएगा इससे पहले एक लोकल स्टैंप पेपर इस्तेमाल होता था लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि पैसा वसूलना है तो पैसा वसूलने के लिए इन्होंने एक बोला कि स्पेशल टाइप का स्टैंप का पेपर है और स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी जो ब्रिटेन पेपर ब्रिटेन से आएगा स्टैंप ड्यूटी आपको हर एक चीज पे देनी ही पड़ेगी यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा कोई भी प्रॉपर्टी होगी सब पे स्टैंप ड्यूटी लगेगी स्टैंप ड्यूटी अभी भी लगती है सरकारे, जो सरकार के इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू में स्टैंप ड्यूटी होती है कोई भी आप जमीन खरीदे कोई भी इंपॉर्टेंट लेन देन करें कोई भी परचेस करे तो स्टैंप ड्यूटी देनी होती है अगर आप स्टैंप ड्यूटी नहीं देंगे तो वो इलीगल माना जाता है वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती तो जब ये स्टैंप ड्यूटी की बात कर दी गई तो तेरा कॉलोनीज ने बोला कि दिस इज गलत दिस इज वेरी रॉन्ग तो इन तेरह कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने डेलीगेट चुने डेलीगेट का मतलब यह है कि तेरह कॉलोनीज है उनकी अपनी लोकल पार्लियामेंट चलती है लोकल सिस्टम चलता है तो हर एक पार्लियामेंट अपना एक कुछ डेलीगेट भेज रही है यानी एक मेंबर चूज करके भेज रही है कि जाओ तुम हमारे पूरी कॉलोनी हमारे पूरे स्टेट की बात रखना वहां पे तो तेरह कॉलोनीज में से नाइन कॉलोनीज के डेलीगेट सामने आए आउट ऑफ थर्टी चार कॉलोनीज के क्यों नहीं आए क्योंकि गवर्नर ने वहां के वो राजा के फेवर में होंगे वो ब्रिटेन के फेवर वाले लोग होंगे चार कॉलोनी तो वहां के जो गवर्नर्स थे वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने असम्बलीज की मीटिंग होने ही नहीं दी ताकि वो डेलीगेट चुन ना पाए तो क्योंकि असेंबलीज की मीटिंग नहीं हुई वो डेलीगेट चुन नहीं पाए इसलिए नाइन आउट ऑफ थर्टी यानी नौ कॉलोनीज के ही डेलीगेट आए थे चलिए नाइन कॉलोनीज के डेलीगेट आए हैं क्यों आए तो इसलिए आया कि ये जो टैक्सेशन है जो स्टैंप ड्यूटी है गलत है तो ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं इसको बोला गया स्टैंप एक्ट कांग्रेस या इसको कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑफ सेवनटीन सिक्सटी फाइव भी बोला जाता है ये सब लोग इकट्ठा हुए न्यूयॉर्क में उस जगह पे जिसको आज की डेट में फेडरल हॉल बोला जाता है और उस हॉल में इकट्ठा होकर सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ब्रिटेन गलत कर रहा है इससे पहले कभी ये ऐसे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुए थे वो तेरह कॉलोनीज अपना लोकल सिस्टम चलाती थी पर अपना लोकल ही सिस्टम चलाती थी अब ये इकट्ठा हो रहे हैं पहली बार और डिस्कस कर रहे हैं सब चीजें तो ये नौ कॉलोनीज के लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट लिखा उस डॉक्यूमेंट का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ग्रीवेंसिस कि ये हमारे राइट right है और कुछ हमारी शिकायतें हैं जो ब्रिटेन पार्लियामेंट से है और इसको ब्रिटेन पार्लियामेंट के पास भेजा गया उन्होंने बोला कि जो ये आपका स्टैंप एक्ट है ये वॉयलेशन है तो ये आपका कानून है दिस इज वायलेशन आप वायलेट कर रहे हो बेसिक प्रिंसिपल्स आप इस तरीके से हम पर टैक्सेशन नहीं लगा सकते थीके? उन्होंने कहा कि अगर टैक्स लगाना ही होता तो ये कॉलोनीज यानी हम लोग लगाते ब्रिटेन की पार्लियामेंट को क्यों टैक्स लगाना है अगर टैक्स लगाना था तो टैक्स शुड बी इंप्लीमेंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट्स ये जो लोकल कॉलोनीज की गवर्नमेंट्स हैं तो ये जो डिक्लेरेशन था इस डॉक्यूमेंट के नीचे छे डेलीगेट्स के साइन भी थे छे कॉलोनीज के डेलीगेट्स कंफ्यूज तो मत करिएगा तेरह टोटल कॉलोनीज हैं, उसमें से नौ के ही मेंबर आए हैं और उन सब जो डिस्कस किया है उसमें से सिर्फ छह लोगों ने ही डेलीगेट्स यानी छह के लोगों ने ही साइन किया है और जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया उसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड ग्रीवेंसिस और ये भेज दिया गया जॉर्ज थर्ड को अब जॉर्ज थर्ड ने ये बात उसको पसंद तो नहीं आई पर ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो मर्चेंट है व्यापारी हैं वो राजा है और पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अभी आप अमेरिकन कॉलोनी के साथ कुछ मत करिएगा क्यों कुछ मत करिएगा कि अगर आप अमेरिकन कॉलोनीज के खिलाफ कोई भी एक्शन लेंगे तो सारी चीजें क्योस हो जाएगा और सारी चीजों में अगर क्योस हो गया है क्योस हो गया है तो वहां पे लॉलेसनेस बढ़ जाएगी लोग लड़ने लग जाएंगे और लोग लड़ने लगेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो हमको नुकसान होगा इसको नुकसान होगा ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा इसलिए ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज और मर्चेंट जो अमेरिका से बहुत सारा सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराते थे उनको अपना सामान बेचना था अमेरिका की कॉलोनीज में उन्होंने कहा कि इस इलाके में जो आपने टैक्स या ये जो ड्यूटी लगाई है इसको वापस कर लीजिए अदरवाइज हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारे पैसे का हमारे बिजनेस का नुकसान होगा तो ब्रिटेन मर्चेंट के प्रेशर में फाइनली ब्रिटेन की पार्लियामेंट कहती है कि हम स्टैंप एक्ट को रिपील कर रहे हैं साथ ही साथ एक और चीज वो अनाउंस करते हैं कि वी आर आल्सो रिमूविंग दट शुगर एक्ट ठीक है पर वो शुगर एक्ट की जगह वो कह रहे हैं कि हम उसको रिपील कर रहे हैं लेकिन उसकी जगह हम रिवेन्यू एक्ट लेके आएंगे और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हम आपकी बात तो मान रहे हैं लेकिन एक चीज याद रखिएगा यू आर आर कलोनी आप हमारी कलोनी है हम आपके मास्टर हैं और अगर हम आपके मास्टर हैं तो हम आपसे टैक्स कर ही लेंगे ये हमारा राइट right है एज अ मास्टर की हम टैक्स ले कि कौन कह रहा है ब्रिटेन की पार्लियामेंट कह रही है तो इसको कहते हैं डिक्लेरेटरी एक्ट यानी हम डिक्लेयर करते हैं दैट यू आर आर कॉलोनी आप हमारी कॉलोनी है एंड इट इज आर राइट टू टैक्स यू ये हमारा राइट right है कि हम आपको टैक्स करें दैट वी शुड टैक्स यू स्टैंप ड्यूटी में कोई डाउट है प्लीज बता दीजिए टेंपो ड्यूटी में कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए फिर इसके बाद हम टाउन शेंड एक्ट पढ़ेंगे ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाउन शेंड एक्ट तो अब आते हैं 1767 में हमने 1764 की कहानी से स्टार्ट किया 1765 की चीज को डिस्कस किया अब टाउन शेंड एक्ट की बात करते हैं देखिए टाउन शेंड एक्चुअली में इंडिविजुअल है जिन जो कि एक तरीके से समझ लीजिए कि ट्रेजरी के मिनिस्टर है। ज अस्टर फॉर ट्रेजरी यानी उनको बोला गया चांसलर ऑफ एक्सर यानी जो पूरा पैसा वगैरह ब्रिटेन का जो खजाना है उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और इसी चांसलर के नाम पे एक सीरीज ऑफ एक्ट इन्होंने पास करवाए थे इनके टाइम पीरियड में पास हुए इसलिए सारे एक्ट को इकट्ठा एक बोल दिया जाता है टाउनशेंड एक्ट ये कोई सिंगल एक्ट नहीं इसमें मल्टीपल एक्ट पास किए जा रहे हैं खासकर चार एक्ट बोले जाते हैं। वो चार एक्ट क्या है ध्यान ध्यान से समझिएगा वेरी इंपॉर्टेंट मैं आगे बढ़ू उससे पहले की याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो इन तेरह में से प्रोटेस्ट करता था उसका नाम था मैसाचुसेट्स और इसी के अंदर का जो शहर है बॉस्टन याद रखिएगा तो बॉस्टन मैसेच्यूसेट का अंदर ही है उसी का ही सिटी उसी का शहर है ठीक है इतनी चीजें बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अदरवाइज आपको आगे चल के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा तो कंफ्यूज मत करिएगा जो बॉस्टन है इट इज इन मैसेच्यूसेट ओनली ठीक है ये कैपिटल है उसकी अलग अलग एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर चुके हैं तो अब उसके बदले में एक नया एक्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है रेवेन्यू एक्ट रेवेन्यू एक्ट में ये बोला गया है कि पहले शुगर पे लगाया गया था टैक्स स्टैंप ड्यूटी लगाई गई थी अब उसको हटा के बोल दिया गया कि आपको लेड पे ग्लास पे पेपर पे पेंट पे और यहां तक कि चाय पे चाय जैसी अनमोल चीज पे चाय जैसे अमृत पर भी टैक्स लगाने की बात की गई ठीक है दुनिया में कोई अगर अजूबे हैं कोई ऐसी चीज है जो अनमोल है जो है, उनमें से एक चाय भी होनी चाहिए ये मेरा तो ये मेरा मानना है, है? है ठीक तो पहला रेवेन्यू एक्ट दूसरा टाउनशेंड के टाइम पीरियड में ही उनके द्वारा पास करवाया गया उसका नाम है कमिश्नर ऑफ कस्टम एक्ट इसमें ये बोला गया कि एक नया कस्टम बोर्ड बनाएंगे और उसका हेडक्वार्टर होगा बॉस्टन में जिसमें पांच कस्टम कमिश्नर होंगे तो हम नया कस्टम बोर्ड बनाएंगे बॉस्टन में उसका हेडक्वार्टर होगा उसमें पांच कस्टम कमिश्नर होंगे और यह ध्यान रखा जाएगा कि सही से कस्टम ड्यूटी चार्ज की जा रही है या नहीं की जा रही प्रॉपर तरीके से टैक्स लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा और अगर कोई भी ऐसा होगा जो प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं लेगा या टैक्स नहीं देगा तो उसको पनिश किया जाएगा तो यह है द कमिश्नर ऑफ कस्टम एक्ट तीसरा है एक्ट ऑफ 1767 अब इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है और थोड़ा सा यहां पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा देखिए ये है अमेरिका अमेरिका में जो भी ब्रिटेन चाय बेचता था वो अपनी परमिशन और अपने जहाज के थ्रू बेचता था और कौन बेचता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो यहां से और चाइना से चाय लेके जाती थी और वहां बेचती थी लेकिन बहुत सारी ऐसी चाय भी थी जो सस्ते रेट में डच से, डच वालों से से वालों स्मगल कर ली जाती जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाय बेचती थी वो काफी कॉस्टली थी क्योंकि इंग्लैंड उस पर टैक्सेस वगैरह लगाता था so, अब ये जो डच है इसकी चाय सस्ती है तो इस चाय को भी कंपिटिटिव बनाने के लिए ये बोला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जितना भी आप टैक्स देते हो वो टैक्स मत दीजिए आप सस्ते रेट में चाय बेचिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप सीधे चाय बेचिए और जो भी आपका नुकसान होगा टैक्स के रूप में जो आप हमको देते हैं हम आपको वापस से वो चीज सप्लाई कर देंगे यानी आपको दोबारा से जितना भी आपका पैसा है उसको रिफंड कर देंगे जो भी आप टैक्स के रूप में देते हो यानी अगर आप वहां से जो टैक्स दे के आते हो हमको वो हम आपको रिफंड कर देंगे ताकि आप बहुत सस्ते रेट में चाय बेच सको ठीक है तो हमेशा इसको इस तरीके से याद रखिएगा ये इंडेमिनिटी एक्ट को इस वजह से पास किया गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाया जा सके और बचाने के लिए उसकी चाय बेचनी पड़ेगी और चाय बेचने के लिए उसकी चाय सस्ती करनी पड़ेगी और अगर चाय सस्ती बेचेगी तो कंपनी को नुकसान होगा तो जो कंपनी का नुकसान हो रहा है जितने पैसे का वो टाउनश ने बोला कि ब्रिटेन की सरकार दे ताकि वो डच से लोग चाय लेना बंद कर दे अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है चाय तो सस्ती मिल रही है तो फिर अमेरिका के लोगों को क्या प्रॉब्लम है अमेरिका के लोग अभी भी एक ही बात कह रहे हैं कि हम तब तक टैक्स नहीं देंगे जब तक हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो अगर ये इंडेमिटी एक्ट के बाद अगर अमेरिका की कॉलोनीज के लोग ये चाय खरीदने लग भी जाएंगे तो एक तरीके से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ब्रिटेन के टैक्सेशन को वो अलाउ कर रहे हैं कि हाँ जी हम सस्ता टैक्स दे रहे हैं लेकिन किसको दे रहे हैं ब्रिटेन को दे रहे हैं। तो यहां पे दो दो मेन एम थे एक तो कंपनी को बचाना और दूसरा ये इंश्योर कराना है कि कॉलोनी हमारी चाय खरीदे हमारी चाय पे चाहे हम थोड़ा ही टैक्स ले रहे हैं लेकिन ये हमारा राइट है क्योंकि हम मास्टर है तो हम टैक्स ले सकते हैं और जैसी कॉलोनीज वो चाय पिएगी यानी वो भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ जी ब्रिटेन हमारा मास्टर है और वो हम पे टैक्स ले सकता है And उसके बाद है द न्यूयॉर्क रिस्ट्रेनिंग एक्ट ऑल्सो नोन एज सस्पेंडिंग एक्ट जो अगला एक्ट है उसको बोलते हैं द न्यूयॉर्क रिस्ट्रेनिंग एक्ट ऑफ सेवन सस्पेंडिंग एक्ट भी बोलते हैं अब ये क्यों लाया गया था इसको ध्यान से समझिएगा एक एक्ट एक था जिसका नाम था क्वार्टरिंग एक्ट मैं आगे मूव करूं उससे पहले मुझे बता दीजिए इतना क्लियर है या नहीं है सो नो क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे और आपको यहां तक इतनी डिटेल में समझना जरूरी है ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो पहले बताइए इतना क्लियर है या नहीं ये और नो बता दीजिएगा तो क्वार्टरिंग एक्ट को ध्यान से समझते हैं देखिए 1765 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था क्वार्टरिंग एक्ट क्वार्टरिंग एक्ट का मतलब यह है कि ब्रिटेन की फोर्सेस, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में स्टेशन होंगी। तो यह ब्रिटेन की जो फोर्सेस न्यूयॉर्क में स्टेशन होंगी, तो यह न्यूयॉर्क की सरकार की जिम्मेदारी है जो लोकल सरकार है कि वो इन फोर्सेस के रहने का और इनके खाने का इनके स्टेशनिंग का इनके फूड की सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस न्यूयॉर्क गवर्नमेंट ऐसे ही मान लीजिए क्वार्टरिंग एक्ट में मैसेच्यूसेट में आर्मी रहती है ये आर्मी कौन सी है ये ब्रिटेन की आर्मी है तो इस आर्मी का जो खर्चा है रहने की जगह से लेके सारा खर्चा ये यह यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा यहाँ के लोगों को ही देखना पड़ेगा पर न्यूयॉर्क की सरकार क्या कह रही है न्यूयॉर्क की सरकार ये कह रही है कि देखिए सेवनटीन में लड़ाई खत्म हो चुकी है और अगर लड़ाई खत्म हो चुकी है तो इस आर्मी को यहाँ पे स्टेशन करने की जरूरत क्या है क्योंकि इस आर्मी की यहां पे जरूरत नहीं है अब लड़ाई खत्म हो चुकी है फ्रांस से कोई लड़ाई नहीं तो इस पूरे बैकग्राउंड में न्यूयॉर्क की जो सरकार है वो कहती है कि हम इनका खर्चा नहीं देंगे तो ये एक्ट आया था इन सेवनटीन और न्यूयॉर्क की सरकार ने इसको फॉलो नहीं किया था और अगर फॉलो नहीं किया गया था तो उसी को पनिश करने के लिए लेके आए हैं द न्यूयॉर्क रिस्ट्रेनिंग एक्ट या सस्पेंडिंग एक्ट अब न्यूयॉर्क की सरकार ये कह रही है न्यूयॉर्क ये कह रही है कि हम टैक्स तो दे रहे हैं टैक्स देते भी रहे हैं लेकिन आप हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हो तो हम ये नहीं करना चाहेंगे देन आता द वाइस एडमिरलिटी कोर्ट एक्ट ये एक्चुअली में टाउनशेंड के मरने के बाद आता है लेकिन उन्हीं के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई गलत काम करता है कोई क्राइम करता है तो उसको पनिश करने के लिए कोलोनियल कोर्ट की जगह एडमिरल कोर्ट में भेजा जाना चाहिए एडमिरलिटी कोर्ट में भेजा जाना चाहिए यानी जो स्मगलर हैं जो स्मगल कर रहे हैं सामान अमेरिका के अंदर अमेरिका की कॉलोनीज में डच से या फ्रेंच से सामान लेके बेच रहे हैं सस्ते रेटों में तो उनके ऊपर जो केस चल रहा है वो कॉलोनियल कोर्ट की जगह एडमिरलिटी कोर्ट में चलना चाहिए और एडमिरलिटी कोर्ट में ज्यादा जल्दी सजा मिलती थी लोगों को यहाँ के प्रोविजन ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे तो किस तरीके से टाउनशेंड एक्ट क्या कर रहे हैं कोशिश एक तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने पुरानी बातें नहीं मानी है और अगर कोई चोरी चकारी करते हुए पाया जाता है तो उसको कैसे जल्दी सजा दी जा सके उस पर भी फोकस किया जा रहा है अब ये लगातार जो एक्ट आए इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें प्रोटेस्ट की इसका वर्बल एजुटेशन हुआ फिजिकल वायलेंस भी देखने को मिला बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम टैक्स नहीं देंगे हम ड्यूटीज नहीं देंगे हम नहीं देते टैक्स तो लड़ाइयां हो रही हैं अलग अलग जगह पे जो भी ऑफिसर कलेक्ट करने आ रहे हैं टैक्स उनको मारा जा रहा है पीटा जा रहा है उनको पनिश किया जा रहा है एक बड़े स्केल पे ये सारी चीजें देखने को मिल रही है खासकर सबसे ज्यादा एक्टिवली बॉस्टन में देखने को मिल रहा है तो ये साथ ही साथ ब्रिटेन में भी लोकल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी आ गई है और बहुत सारे इंसिडेंट के चक्कर में एक बार ऐसा भी हुआ कि फिफ्थ ऑफ मार्च 1770 में बहुत बुरी तरीके से बॉस्टन में लड़ाई हो गई किस किसके बीच में लड़ाई हो गई लोकल लोगों में लड़ाई हो गई और साथ ही साथ ये जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स हैं इनके बीच में लड़ाई हो क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट करते ही रहते थे ऑफिसर्स को टारगेट करते ही रहते थे तो फिफ्थ ऑफ मार्च को कुछ ऐसा हुआ कि ये लड़ाई बहुत बड़े मैसकर में चेंज हो गई इसको बोला जाता है बॉस्टन मैसकर और जिस दिन ये बॉस्टन मैसकर हुआ उस ही दिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बोला कि चाय को छोड़ के बाकी सारे जितने भी टाउनशेंड एक्ट थे उन सबको हम हटा दे रहे हैं टेम्परली हम उसको हटा दे रहे हैं लेकिन चाय के ऊपर जो टैक्स है चाय के ऊपर जो ड्यूटीज हैं है इंडेमिनिटी एक्ट की ड्यूटीज है बाकी सारी ड्यूटीज है वो देनी ही पड़ेंगी बाकी सारी चीजों को हम हटा रहे हैं ये सब क्यों हटाया गया क्योंकि बॉस्टन मैस्करे हो गया बॉस्टन में बहुत ज्यादा लड़ाई फैल गई और उस लड़ाई को रोकने के लिए प्रेशर बन गया पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट को कोई ना कोई डिसीजन लेना ही था तो इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस टेम्परलीस प्रॉब्लम दे डिसाइडेड दैट दे शुड रिपील ऑल दाय को छोड़ हम बॉस्टन मैस्कर की बात कर लेते वट वॉज दिस बॉस्टन मेस्कर देखिये एक तो टाउनशेड एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था वो तो था ही साथ ही साथ बॉस्टन के ऊपर किस तरीके से फोर्सेज भेज के कब्जा करने की कोशिश की गई थी और साथ ही साथ एक बच्चा था क्रिस्टोफन सीडर उसकी डेथ हुआ क्या ध्यान से समझिए बॉस्टन के लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे ये एक्ट के खिलाफ तो एक दिन पुलिस को घेर लिया यहां पे लोगों ने और ये प्रोटेस्ट चल रहा था पत्थरबाजी वगैरह चल रही थी यहां के ऑफिसर्स को घेर के वहीं पे एक बच्चा था जिसका नाम था क्रिस्टोफर सीडर वो निकल रहा था और इस पूरी चक्कर में जब पुलिस ने रिटेलिएट किया तो क्रिस्टोफर सीडर की डेथ हो गई तो चोट लगी उसकी डेथ हो गई ये छोटा बच्चा है जिसका प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था और जो ऑफिसर था ये डेथ हुई उसकी ट्वेंटी ऑफ फेबर को वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया इंक्वायरी बैठाई गई लेकिन इंक्वायरी के बाद भी जो इसका किलर था जो ऑफिसर था उसको पार्डन कर दिया गया उसको माफ कर दिया गया और जब ये माफ कर दिया गया तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया तो पांच मार्च को भी ये लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे थे नौ ब्रिटिश सोल्जर थे और उनके आसपास 300 से 400 सौ अमेरिकन थे तीन, तीन सौ से 400, 300 टू 400 हंड्रेड अमेरिकन ने उनको घेर लिया था ये नौ ऑफिशियल्स को और इस पूरी लड़ाई इस पूरी भीड़ को लीड कर रहे थे पॉल रीवर एंड सैमुअल एडम्स तो इसको लीड कर रहे थे और उसके जो ऑफिसर थे ऑफिसर ने ऑर्डर नहीं भी दिया तो उसके बावजूद भी एक सोल्जर ने गोली चला दी फायर कर दी और इसको देखते हुए बाकी नौ में से एक और सोल्जर ने दो सोल्जर्स ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और कुछ लोगों की डेथ हो गई जब कुछ लोगों की डेथ हो गई तो लोग तो भाग गए लेकिन अब गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया लोगों का तो गवर्नर ने कहा कि हम इसके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी में उन्होंने नौ में से दो लोगों को सजा भी सुना दी दो लोगों को सजा सुनाई दी सुना दी गई वो दो ऑफिसर थे मौंत मौगरी और किल रॉय और इनको मैं स्लॉडर का क्राइम में सजा सुनाई दी गई तो ये था बॉस्टन मैस्करे जो पांच तारीख को इन ऑफिसर्स ने आम लोगों पे गोलियां चला दी थी नौ ऑफिशियल्स पे तो ये नौ ऑफिशियल्स ने जो गोलियां चलाई हैं 300-400 लोगों की भीड़ पे इसको बॉस्टन मैसक्र बोला जाता है और इस चीज को अमेरिका के जितने भी फिलोसफर थे थिंकर ने थे उन्होंने इसको लोगों तक लेके गए इसको काफी पॉपुलराइज किया और इस तरीके से पॉपुलराइज किया कि कैसे ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन के सोल्जर हम पे गोलियां चला रहे हैं हमको मारना चाहते हैं हमको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दिस वाज बॉस्टन मेस्कर जो कि फिफ्थ ऑफ मार्च 1770 में हुआ था लास्ट जो एक्ट है उसका नाम है टी एक्ट ये टी एक्ट ऑफ 1773 सेवनटी थ्री तीन साल बाद दोबारा कंपनी ने बोला कि हम जो टैक्स का हमारा अधिकार है वो टैक्स तो हमारा होना ही चाहिए और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बचाने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ तो करना ही है तो फोकस इसलिए किया गया कि जो जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय पत्ती गोदामों में भरी पड़ी है जो उन्होंने स्टॉक करके रखी है जो बिक नहीं रही है उसको बेचना है सस्ते रेट में तो इसको बेचने के लिए ये बोला गया कि जितनी भी लीगल चाय है डच वाले स्मगल करते हैं उसको रोका जाए और सब लोग अमेरिका की ही चाय खरीदे सस्ते रेट पे ही चाय खरीदे चाय बहुत महंगी नहीं थी टैक्स ज्यादा नहीं था पर अमेरिकन कॉलोनीज वाले कह रहे हैं कि हमको आपकी कोई भी मेहरबानी नहीं चाहिए हम आपको एक रुपया भी टैक्स नहीं देंगे जब तक आप हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे ये एक्ट क्या कहता था एक्ट कहता था कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप सीधे अमेरिका में जाके चाय बेच सकते हो आपको कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी है ड्यूटी फ्री चाय बेच सकते हो सस्ते रेट में चाय बेचो थोड़ा बहुत जो टैक्स हम पुराना लेते हैं वही टैक्स लेंगे अगर अमेरिका के लोग हमको ये टैक्स देने को रेडी हैं, तो ये एक सिंबल है कि अमेरिका के लोग ये मानते हैं कि ब्रिटेन उनका मास्टर है हम उनके गुलाम हैं पर ये जो गुस्सा था बार बार लोगों को समझ में आ रहा था कि ब्रिटेन बार बार कोशिश कर रहा है अलग अलग तरीके से हम पे टैक्स लगाने की तो ये गुस्सा बॉस्टन के इलाके में एक अलग तरीके से सामने निकल के आया जिसको बोलते हैं बॉस्टन टी पार्टी वहां के लोगों ने एक अलग तरीके से इसका प्रोटेस्ट किया तो इस एक्ट के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा था और ये तेरह कॉलोनीज के लोग वापस इकट्ठा हुए जैसे स्टैंप ड्यूटी वाले के टाइम पीरियड में इकट्ठा हुए थे तो उसी तरीके से इंस्पिरेशन लेके सब लोगों ने इकट्ठा हुआ और बोला गया कि हम कोई भी मिलके सब लोग अमेरिका की जो चाय सॉरी जो ब्रिटेन की चाय आ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चाय आ रही है हम उसको नहीं पिएंगे नहीं खरीदेंगे जो भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे जो चाय बेचने की कोशिश करते थे उनको हैरेस किया जाता था ये कोशिश की जा रही थी कि चाय लैंड नहीं होगी अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया गया और इसके रिएक्शन में ब्रिटेन की पार्लियामेंट पास करती है कोर्सिव एक्ट ये कोर्सिव एक्ट क्या थे बोस्टन टी पार्टी क्या थी इसको हम कल डिस्कस करेंगे तो अभी की स्टोरी को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं ये जो टी का एक्ट आया 1773 ये एकदम क्लाइमेक्स वाले जोन में हम जा चुके हैं लड़ाई स्टार्ट होने ही वाली लड़ाई स्टार्ट होती है 1776। और उससे पहले क्या क्या चीजें हो रही हैं मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी तीन साल की कहानी और बची सेवनटीन सेवेंटी थ्री तक तो हम पहुंच ही गए इसके आगे वाली कहानी को हम कल डिस्कस करेंगे कि टाइ के एक्ट के बाद क्या रिएक्शन हुआ बॉस्टन टी पार्टी क्या थी कैसे ये एक्ट रिपील किया गया कब रिपील किया गया और क्यों अमेरिका के लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि अब इनफ इज इनफ नाउ इट्स आर टाइम टू रिएक्ट नाउ वी विल बी तो so, उम्मीद है यहाँ तक आपको सब चीजें क्लियर होंगी सारे क्लियर होंगे बॉस्टन मेस्क्रे क्लियर होगा एक्ट, स्टैंप ड्यूटी शुगर एक्ट सब क्लियर होगा तो so, कल हम चाय के एक्ट से ही स्टार्ट करेंगे अगले सेशन आज इसको यही रैप अप करते हैं जी ओके थैंक यू जी सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन डाउट है कोई भी क्वेरी है प्लीज पूछ लीजिए और डाउट एंड क्वेरी नहीं है तो इसको यही रैप अप करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिए ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया इसको रैप अप करते हैं डाउट क्वेरी अगर रह भी जाती है तो आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं चलिए गुड नाइट In the next session, take care, stay safe, keep revising, and keep asking your doubts. Good night.